हिंदी के प्रचार प्रसार की कड़ी में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पूर्वांचल क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के समापन पर मंगलवार को समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काव्य पाठ प्रतियोगिता की गई। इसमें बेहतर कविता पाठ करने वाले प्रतिभागी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अपर महानिदेशक पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालय जेन नामचू ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजभाषा में लगातार कार्य करने की अपील की। मौके पर क्षेत्रीय कार्यालय डिप्टी डायरेक्टर चित्रा गुप्त ने कहा कि हिंदी संपर्क भाषा है, कामकाज में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए, साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान भी होना चाहिए। पीआईबी में यह देखने को मिलता भी है। ये हमारा मैंडेटरी है, हर साल हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेशन होता है। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन है न्यूज़ रिलीज करना, प्रेस रिलीज करना, तो जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं कलकत्ता में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी पखवाड़े में, ये मैंडेटरी होता है हमारे लिए इसको सेलिब्रेट करना। तो इस दिन हम थोड़ा सा आयोजन करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं हिंदी का लिटरेचर का जो लोग होते हैं, और हमारा जो ऑफिसर्स होते हैं, जो साधारण ऑफिशियल्स होते हैं, सारे लोग मिलके हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इस समारोह में कोलकाता प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राज मिठोलिया निर्णायक व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हिंदी को किसी पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि यह भाषा बिना रुकावट के आगे बढ़ेगी। तो हर साल ये हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह वगैरह जो हर साल मनाया जाता है, राजभाषा के रूप में मनाया जाता है। इसमें जाहिर है जब राजभाषा की बात आती है और हिंदी को लेकर बात होती है, तो कोशिश होती है कि आज के दिन ही नहीं, हिंदी का जो प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो इसमें, ताकि लोगों को कहीं भी कोई बाहर अगर जाता है भारत के अंदर ही किसी राज्य में, मैं बिल्कुल सीधी बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनको कोई असुविधा ना हो, कि हिंदी अमूमन सभी लोग बोलते समझते बोलते हैं, लेकिन आज के दिन राजभाषा हिंदी ठीक बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भाषा पर किसी हिंदी को किसी पर थोपने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दिल से निकलने वाली बात होती है। इस अवसर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर श्यामल भट्टाचार्य बतौर अतिथि उपस्थित थे, साथ ही पीआईबी के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से हिंदी पर विचार व्यक्त किए। हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसके जरिए मैं भारत के हर प्रांत के लोगों से मैं मिल सकता हूँ, मेरा बात अपना मतलब बात कर सकता हूँ, ये संपर्क की भाषा है। तो ये मेरे को किया है, मैं बाद में हिंदी में जी, मैं पंजाबी में किया। तो मेरे ख्याल से केवल एक भाषा नहीं, भारत जैसे देश को जो प्यार करता है, जो देश के प्रति जिसको प्यार है, उसको एकाधिक भाषा सीखना चाहिए। अपने मातृभाषा, जो मेरे मातृभाषा बांग्ला है जी, जैसे एक हिंदी भाषी के लिए हिंदी सीखना ज़रूरी है, मेरे लिए बांग्ला सीखना ज़रूरी है। लेकिन मैं देखकर आश्चर्य होता हूँ, जो लोग हिंदी भाषा के लिए बोलते हैं वो अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाते। जो अपने कर्मचारी हैं जी, इन्होंने अपने कोई कविता वगैरह एक किया जी जी जी। अच्छा, मेन कविता का ही है, क्योंकि स्टाफ कम होने करके जो है ज़्यादा ये नहीं हो पाया हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। हाँ जी 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 जी। अच्छा, और एक तो कोविड करके जो है ज़्यादा कर्मचारी जो है वो उपस्थित नहीं हो पाए जी जी। अच्छा, इस करके जो है ज़्यादा इतना ये नहीं हो पाया, मतलब पूरे नियमों को मानते हुए जो। हाँ जी, हिंदी पखवाड़ा 21 से 27 तक मतलब संपन्न हुआ, आज सा समापन समारोह, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा इस बार बहुत ही छोटा करके प्रोग्राम किया, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है। पहले से ही हम लोग को प्रिपरेशन था, क्योंकि ये हमारा एक सप्ताह भर का प्रोग्राम था, सिर्फ सप्ताह भर भी नहीं, हमारा दफ्तर ने हेडक्वार्टर से बार बार प्रेशर दे रहा है हिंदी को काम में अंतर्भुक्त करना, तो हम लोग हिंदी में नोटिंग लिखना, हिंदी में जैसे आरटीआई का तो हिंदी का रिप्लाई आया, तो हम कोशिश करते हैं उसको रिप्लाई भी हिंदी में ही देना, और जो काम में हिंदी कुछ नहीं जानता है उसको भी कम से कम बोला कि भाई तुम्हारा दस्तखत हिंदी में, तो ऐसे ऐसे हमारा डायरी डिस्पैच ये भी हिंदी में चालू कर दिया। तो हम लोग कोशिश करते हैं हिंदी का सबको सचेतन करना हिंदी भाषा का बारे में, सीखना चाहिए हिंदी, हमारा तो राष्ट्रीय भाषा है, तो जहाँ जो राज्य है या विदेश में हो, तो हम लोग का
हिंदी का सीखना जरूरी है, सब जगह तो हिंदी चलता है, तो मैं चाहूँगी जब सबको हिंदी सीखना चाहिए।